नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सहजानंद विद्यालय के द्वारा आयोजित डिजिटल एजुकेशन श्रेणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है, जिससे आपका अभ्यास है वो निरंतर चलता रहे, आपके अभ्यास में कोई भी रुकावट ना हो। बच्चों, अब आप मास प्रमोशन के द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 7 में प्रवेश ले चुके हैं। कक्षा 7 में हम विषय हिंदी में, कक्षा 7 में हम पहले पाठ शुरू करने से पहले हम लोग उसकी अनुक्रमणिका देखेंगे, उसके बाद हम जो हमारी जो पहली इकाई है वह देखेंगे और उसका अभ्यास शुरू करेंगे। अभी ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हमारा एजुकेशन, हमारा शिक्षण है वह यह इसी तरह निरंतर चलता रहे जब तक हमारी स्कूल ऑफलाइन ना शुरू हो, तब तक हम लोग ऑनलाइन अभ्यास करेंगे। और जो जो PDF या टीचर के द्वारा जो जो लिंक भेजी जाती है, लिखने को भेजा जाता है, वो आपको अच्छी तरह से अपने अपने नोटबुक में लिखना है। जो विषय वाइज आपने नोटबुक बनाई है उसमें आपको लिखना है। हिंदी की नोटबुक निबंध की अलग से बनानी होगी, जिसमें हमें निबंध लिखेंगे, कहानी लिखेंगे और व्याकरण के कुछ टॉपिक भी लिखेंगे। निबंध लेखन की नोट है वो हमें अलग बनानी होगी। चलो बच्चों, हम पहले कक्षा 7 की आज अनुक्रमणिका देखेंगे कि आपको इसमें कितनी इकाई पढ़नी है, कितने काव्य पढ़ने हैं। चलो बच्चों, अनुक्रमणिका देखते हैं। अनुक्रमणिका में क्रम, इकाई, साहित्य स्वरूप और पृष्ठक्रम। पृष्ठक्रम यानी कि जो आपकी इकाई दी गई है वो कौन से पेज नंबर पर है। साहित्य स्वरूप मतलब वो कविता है, कहानी है, निबंध है, जीवनी है, पहेलियाँ है या दोहे, इसका स्वरूप कौन सा है। वह क्रम इकाई, पहला क्रम है वो है चित्र के संग संग यानी कि चित्र पाठ। दूसरा है तब याद तुम्हारी आती है, वह एक कविता है। तीसरा है कुत्ते की वफादारी, वह एक कहानी है। उसके बाद में आता है चौथा पाठ है वो है कथनी और करनी, उसका प्रकार है निबंध। उसके बाद पुनरावर्तन आता है। उसके बाद में है पांचवा हिंद देश के निवासी, वह एक कविता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवनी है, उसके जीवन की कहानी है, मतलब उसके जीवन चरित्र उसमें लिखा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे। उसके बाद में है साथ ढूंढते रह जाऊंगे, वह एक पहेलिया है। आठ है दोहा अष्टक, वह दोहे है। जो दोहा बोलते हैं ना काव्य से पहले या कोई भी कविता शुरू करने से पहले हम दोहे बोलते हैं। इसमें कबीर, तुलसीदास, रहीम जैसे महान कविताओं कवियों के दोहे दिए गए। अब बच्चों, हम अपनी पहली इकाई है वो चित्र के संग संग वो शुरू करेंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि हमने कक्षा 6 में भी पहले सेमेस्टर का जो पहला इकाई थी उसमें क्या था कि एक कहानी थी, चित्र कहानी। वैसा ही यहाँ पे एक चित्र वर्णन दिया गया, आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसको आपको उसका वर्णन करना है कि वह चित्र में क्या है। पहले हम जब छोटे थे तब हमें पहाड़, नदी, गांव दिया जाता था, उसके ऊपर से हमें वाक्य थे कि यह एक गांव का चित्र है, यहाँ पे नदी बह रही है, गाय है, पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ है, फूल पौधे, ऐसे चित्र वर्णन करते। यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया, उसका वर्णन ऐसे ही करना है। चलो तो अभी शुरू करते हैं इकाई 1, चित्र के संग संग, मतलब चित्र के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें साफ साफ नज़र आता है कि यह एक सड़क का चित्र है। सड़क पे कुछ यातायात के साधन जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा है, बाइक है और दो कार है। यहाँ पे एक बिजली का खंभा दिख रहा है और ये सुंदर सड़क दिख रही है। सड़क के उस पार बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें और बादल दिख रहे हैं। बादल में पंछी उड़ रहे हैं। सड़क के इस तरफ देखिए फुटपाथ पे तो एक खंभे पे तोता बैठा है, वहाँ साइकिल वाले की दुकान शायद होगी, दुकान नहीं नज़र आ रही लेकिन एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है। और यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, एक सब्जी बेचने वाली भी उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजड़ीन कहते हैं।
कुंजड़ी वह सब्जी बेचने जा रही है, वो सब्जी बेचने जा रही है। तो हम सोच सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ सब्जी बेचने जा सकती है, गली गली, मोहल्ले, सड़के या अलग अलग शहरों में भी वो सब्जी बेचने जा सकती है। और यहाँ पे देखो, पिछले घर से दो आदमी खिड़की से झांक रहे हैं, यानी कि वो देख रहे हैं। यहाँ मोची फुटपाथ पर बैठा है और किसी का ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है कि शायद कोई ग्राहक आएगा और उससे बूट पॉलिश करवाएगा या जूते सिलवाएगा। उसके बगल में एक कुत्ता ऐसे ही आराम से सो रहा है। यह गुब्बारे बेचने वाला कहीं गुब्बारे बेचने जा रहा है। उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगी गुब्बारे हैं। यहाँ पे थोड़े आदमी दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ खरीदी करने आ रहे हैं। एक खंभे पर एक तोता बैठा है। इस तरह यह सुंदर सड़क का जो दृश्य है वह नज़र आ रहा है। बच्चों, इसके पीछे कुछ इसका विभिन्न यानि कि अलग से एक चित्र दिया गया है, उसका वर्णन भी हम देखेंगे। देखो, अपनी पुस्तक के दूसरी तरफ जो चित्र दिया गया है वो बिल्कुल कैसा है, उससे विभिन्न है यानी कि अलग है। यह कुछ दुर्घटना घटी हो ऐसा नज़र आ रहा है। मतलब चित्र तो वही का वही है, लेकिन सब लोग यह सब चीज़ें क्या हो गई है, उलट पुलट हो गई। अब हम इस चित्र का वर्णन करें। वैसे देखो, ये सड़क का चित्र नज़र आ रहा है, लेकिन इस चित्र में ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई होगी। लेकिन वह दुर्घटना क्या हुई होगी वो हम सोचते हैं कि जब वो साइकिल वाला आदमी साइकिल के टायर में हवा भर रहा था, ज़्यादा हवा भरने की वजह से उसके साइकिल का टायर फटा। टायर फटने की वजह से जोर की आवाज़ आई, इसलिए मोची सड़क पर आ गया। कुत्ता जो मुँह लटका कर लेटा था वह भाग गया। कुंजड़ी की सारी सब्जियां नीचे गिर गई। गुब्बारे वाले के हाथ से डर के सारे गुब्बारे छूट गए। यहाँ पे खंभे पे जो तोता बैठा था वह उठ गया। यह देखने के चक्कर में रिक्शा वाला और बाइक वाले की आपस में टकराव हो गई। वो टकरा गए, उसकी वजह से बाइक वाले की हेडलाइट है वह टूट गई। मुसाफिर भी ऑटो रिक्शा से बाहर झांकने लगा, रिक्शा वाला भी बाहर झांकने लगा। इस तरह यह सब यहाँ खिड़की पर से कुछ लोग क्या धमाका हुआ वह देखने के लिए बाहर आ गए। इस तरह सारा दृश्य है उलट पुलट नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे दो चित्र वर्णन हैं वो ख़त्म होते हैं। यहाँ पे हमारा पहला इकाई है वो ख़त्म होता है। इसका स्वाध्याय और अभ्यास का जो PDF है मैं आपको WhatsApp पे भेज दूँगी, वह आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अस्तु, जय स्वामीनारायण। बच्चों।